हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल शिवानी भंडारी ब्लॉग्स पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो बनने वाली है वो हम करने वाले हैं शॉपिंग अन्नप्राशन की तक्ष्वी के लिए। तो वैसे तो तक्ष्वी को भी 4 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, 5th मंथ स्टार्ट हो गया है। आपने मतलब ज़्यादातर यही सुना होगा कि अन्नप्राशन 6ठे महीने में होता है, लेकिन हमने पंडित जी से बात करी तो पंडित जी ने बोला कि जो लड़कियों का अन्नप्राशन होता है वो 5वें महीने में होता है। तो इसलिए हम उसका अन्नप्राशन कर रहे हैं 5वें महीने में अभी। और जो उसकी डेट निकली है अन्नप्राशन की वो 14 को निकली है। तो उसी की शॉपिंग हम कर रहे हैं और मैं और सिस्टर भी थोड़ी देर मार्केट जाने वाले हैं। और मैं आपको पूरी प्रिपरेशन बताऊंगी और डेकोरेशन बताऊंगी कि हम क्या क्या करने वाले हैं और किस तरीके से करेंगे। लक्ष्मी के अन्नप्राशन की सारी शॉपिंग कर ली है हम लोगों ने और केक का ऑर्डर हमने दे दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ पर सिस्टी क्या बना रही है? इसमें मैं मिनिएचर बना रही हूँ केक के ऊपर रखने के लिए, छोटे छोटे लड्डू, जलेबी, ग्लास। तो ये सब सिस्टी ने आटे से बनाए हैं। तो हमने बलून हम लोग फुला रहे हैं और मैं बलून का आर्च बनाने की ट्राई कर रही हूँ। आज पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। अभी तक तो ठीक ठाक ही लग रहा है, आगे देखते हैं। और सिस्टी अब इनमें कलर कर रही है और मैं तब तक यहाँ पे बलून फुला रही हूँ। और अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने अभी इतने बलून फुला के और कुछ इस तरीके से भी लगा दिया है। अब देखते हैं जो मैं सोच रही हूँ बन पाता है कि नहीं बन पाता है। मेरे पीछे अभी किचन में तैयारी चल रही है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो बस मैं ये सब बना रही हूँ अभी, खाना वगैरह। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी इसलिए मैंने आधी चीज़ें रेडी कर दिया बना के। बस अब मैं फटाफट से पकोड़े बना रही हूँ और उसके बाद फिर मैं रेडी होती हूँ। राशन की तैयारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर मैं पकौड़े बना रही हूँ और यहाँ पर थोड़े से पकौड़े भी बन चुके हैं। और यहाँ पर मैंने पनीर और छोले बना के रेडी कर दिए हैं। यहाँ पर चावल भिगो दिए हैं खीर बनाने के लिए। दूध अभी आएगा तो फिर मैं खीर बनाऊँगी। तो अब मैं रेडी होने के लिए आ गई हूँ और मैं बताती हूँ कि आज मैं क्या पहन रही हूँ। तो मैं पहन रही हूँ आज ये येलो वाली साड़ी। और ये जो साड़ी है ये मैंने अपनी शादी की हल्दी में पहनी थी, मतलब अपनी शादी में जो हल्दी हुई थी मेरी तब मैंने ये साड़ी पहनी थी। और अब मैं इसको आज पहन रही हूँ बहुत टाइम बाद। बस मिलती हूँ आपको रेडी होके। मतलब प्रॉपर रेडी नहीं हूँ, बाल बनाने रह गए हैं। साड़ी मैंने पहन ली है। तो साड़ी मैंने पहन ली है और ये काफी बहुत टाइम बाद पहनी है तो अच्छा लग रहा है पहन के। यहाँ पे आए हैं तक्ष्वी के दोस्त आए हैं तक्ष्वी के अन्नप्राशन में। ये है तक्ष्वी का सबसे छोटा फ्रेंड। क्या नाम है आपका? बताओ। और हमने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर दी है। अभी सब लोग आए नहीं है तो अभी बस पूजा करेंगे। और यहाँ पे हमारी थाली रेडी हो चुकी है, मतलब तक्ष्वी की थाली रेडी हो चुकी है। भोग भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए रखा है, ये लड्डू रखे हैं, आम रखे हैं। कितने और... 5 प्रकार का हमने यहाँ पे तक्ष्वी के लिए मतलब भोग लगाने के 5 प्रकार का भोजन पकाया हमने आज अपने तक्ष्वी के लिए। खीर पकाई, पूरी पकौड़ी बनाई है, खीर बनाई है
पनीर चने बनाए हैं, ये लड्डू हैं, गणेश भगवान जी को भोग लगाएंगे गजानन स्वामी को। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाइए तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरने, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की। तो यहाँ पे हमारा खाना स्टार्ट हो चुका है और अभी ये दोनों यहाँ पे खाना खा रहे हैं। खाने में मैंने बनाया है पनीर बिना टमाटर बिना प्याज बिना काजू की ग्रेवी की, और यहाँ पे मैंने बनाया है काले चने, पकौड़ी और पूरी बनाई है, खीर बनाई है। और कैसा हो रहा है? हमने इसको नया नाम दिया है। क्या? कड़ी पनीर। मस्त हो रहा है। ठीक है, खाओ। रंगत बदल दे, खो न जाइए तारे जमीन पर। फिर से कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं और हमने खाना वगैरह खा लिया है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। हमने कुछ इस तरीके से तक्षवी का अन्नप्राशन सेलिब्रेट किया। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।